गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्लंबिंग द वेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पंप्स एंड इट्स टाइप। तो पंप क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं वह आज हम जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आए थे कि जो पंप है उनके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आज की वीडियो हमारी पंप पे ही है। आज हम जानेंगे पंप क्या होता है, पंप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पंप कैसे काम करता है, कौन सा पंप कहाँ यूज़ किया जाता है और पंप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पंप होता क्या है। पंप्स आर यूज टू ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूट लिक्विड फॉर वेरियस पर्पस। तो पंप लिक्विड को अलग अलग कार्यों के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। पंप एक ऐसा उपकरण होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें कि पंप ऑपरेट कैसे होते हैं, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ पंप जो है चलाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है पंपों को चलाने के लिए। लेकिन कई जगह यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे हम डीजल पंप, पेट्रोल पंप या केरोसिन पंप का भी इस्तेमाल करते हैं। अब पंप जो है उसके दो मेन काम होते हैं, पंप जो होते हैं उनके दो मेन काम होते हैं, जिसमें पहला काम है ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को ट्रांसफर करता है। जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारा पंपिंग या प्रेशर सिस्टम है उसमें हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड इंटू ए वाटर स्टोरेज टैंक, तो अंडरग्राउंड वाटर को लिफ्ट भी करता है। जैसे सबमर्सिबल पंप होते हैं हमारे, तो वो ट्यूबवेल में लगाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, पानी को लिफ्ट करते हैं स्टोरेज टैंक के लिए। और दूसरा काम होता है सर्कुलेट लिक्विड अराउंड ए सिस्टम। जैसे आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे CNC मशीन है हमारी, उसमें कूलेंट जो है वो सर्कुलेट होता रहता है थ्रू आउट द सिस्टम, तो उसको सर्कुलेट करने के लिए भी हमें पंप की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा गाड़ी में जो वाइपर्स होते हैं, जो कूलेंट डाला जाता है वो भी रेडिएटर में सर्कुलेट होता है, उसको सर्कुलेशन कौन कराता है, पंप। जब वो पंप ठीक है तभी वो सर्कुलेशन जारी रहेगी, आपका इंजन हीट नहीं करेगा। अगर वो पंप खराब हो जाए तो इंजन हीट करने लगता है। तो पंप का क्या काम है, लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह तो ले ही जाता है, साथ में किसी पर्टिकुलर सिस्टम में सर्कुलेट कराने में भी ये मदद करता है। अब हम जानते हैं कि पंप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो पंपिंग प्रणाली है उसके क्या क्या घटक हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो पंप केसिंग एंड इंपेलर्स। पंप की केसिंग और इंपेलर एक घटक है। प्राइम मूवर्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर हो सकती है, डीजल इंजन या एयर सिस्टम हो सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि इनिशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो तो हम डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्राइम मूवर है वो है इलेक्ट्रिकल मोटर या डीजल इंजन या एयर सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट रहेगी पाइपिंग यूज टू कैरी द फ्लू। अब पंप जहाँ से पानी को उठाएगा और यहाँ भेजेगा, उस पूरी प्रोसेस में एक पाइपलाइन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी इसका कंपोनेंट है। नेक्स्ट रहेंगे हमारे पास वाल्व यूज टू कंट्रोल द फ्लो इन द सिस्टम। तो जो कंट्रोल वाल्व है, जैसे गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, वाल वाल्व, तो ये सारे वाल्व जो है ये भी पंपिंग प्रणाली के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट रहेगा अदर फिटिंग्स, कंट्रोल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और ऐसे कंट्रोल और फिटिंग्स जिनका हमने वाल्व में जिक्र नहीं किया है, जैसे हमारे कपलर हो गए, टी हो गए, ड्यूसर्स हो गए, तो जैसी हमारी आवश्यकता होगी वैसी फिटिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम बात करें तो हमारे जो प्रेशर वाल्व होंगे, जिसमें हम गेज, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पंपिंग प्रणाली जो है कितने प्रेशर से पानी ले जा रही है, तो उसके लिए हमें रेगुलेटर प्रेशर मीटर लगाने पड़ते हैं, रेगुलेटर्स लगाने पड़ते हैं, वाटर मीटर लगाने पड़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना पानी जो है पंप हो चुका है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ये भी पंपिंग प्रणाली के कंपोनेंट्स रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एंड यूज इक्विपमेंट विच हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल प्रेशर, फ्लो एंड देयरफॉर डिटरमाइन द पंपिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो पंपिंग जो हमारे घटक हैं पंपिंग के, उसमें हम बात करें तो ये सारी चीज़ें पंप केसिंग एंड इंपेलर्स, प्राइम मूवर्स,
पाइपिंग सिस्टम, कंट्रोल वाल्व्स, अदर फिटिंग जैसे टी, एल्बो, प्रेशर मीटर, वाटर मीटर, ये सारे जो है पंपिंग प्रणाली के घटक हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंप, जो हमारे पंप हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ पंप। तो पंपों को दो मेन डिविजन्स में बांटा गया है, जिसमें पहली डिविजन हमारी रहती है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, हिंदी में इसको हम बोलते हैं सकारात्मक विस्थापन पंप, और दूसरी डिवीजन है डायनेमिक प्रेशर पंप। तो ये हमारी दो मेन डिविजन्स है, इसकी ही अंदर फर्दर हमारे जो पंप है उनको डिवाइड किया गया है। तो अभी हम देखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से कि पंप कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने प्राइमरी डिवीजन में पढ़ा डायनेमिक प्रेशर पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, बाकी सारे पंप जो होंगे इन दो मेन कैटेगरी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो डायनेमिक प्रेशर पंप में सबसे पहले आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला पंप जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है। उसके बाद प्रोपेलर पंप और टरबाइन पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है उनको फर्दर दो डिवीजन में बांटा गया है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप के दो टाइप्स हैं, पिस्टन पंप और डायफ्राम पंप। रोटरी पंप अलग अलग तरह के होते हैं, गियर पंप, लॉग पंप, स्क्रू पंप, वेन पंप, रोटरी प्लंजर पंप। इसके अलावा कुछ और भी टाइप के पंप हैं, उनको हम फिर से अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जो सारे पंप हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो जैसे हमारी मेन क्लासिफिकेशन में हमने बात की डायनामिक प्रेशर पंप की और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की। तो डायनामिक प्रेशर पंप क्या होते हैं, इन डायनामिक प्रेशर पंप ड्यूरिंग पंपिंग एक्शन टेंजेंशियल फोर्स इज इम्पार्टेड विच एक्सेलरेट द फ्लूइड नॉर्मली बाय रोटेशन ऑफ इंपेलर। तो मतलब जो डायनामिक प्रेशर पंप है उसमें जो फ्लूइड है वो इंपेलर के साथ घूमता है और एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके जरिए पंप जो है अपना काम करता है। दे आर नॉर्मली यूज्ड फॉर मॉडरेट टू हाई डिस्चार्ज रेट, तो मध्यम से हाई डिस्चार्ज रेट के लिए इनका यूज किया जाता है। द प्रेशर डिफरेंशियल रेंज फॉर दिस टाइप ऑफ पंप इज इन ए रेंज ऑफ लो टू मॉडरेट, तो इसकी जो प्रेशर डिफरेंस है वो लो टू मॉडरेट रहेगा। दे आर पॉपुलरली यूज इन सिस्टम वेयर लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स आर यूज, ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी लो होती है, कम होती है, उनके लिए डायनामिक प्रेशर पंप का यूज किया जाता है। बात करें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की या सकारात्मक विस्थापन पंप की, तो इनका क्या काम है, सच पंप आर डिजाइन टू डिस्प्लेस ए मोर और लेस फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो जितने भी इसके साइकिल होंगे उसमें जो वॉल्यूम रहेगी फ्लूइड की वो फिक्स रहती है, वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इन जो हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है इनका यूज जो है हम प्रिसाइज वर्क के लिए करते हैं। इसका जो यूज है वो मेडिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, बड़ी बड़ी जो हमारी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी किया जाता है। द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज डिटरमाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट पर साइकिल ऑफ द मूविंग मेंबर। द फ्लो कैपेसिटी इज थस फिक्स्ड बाय द डिजाइन साइज एंड ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ पंप। जैसे कि हमें पता है कि एक साइकिल में जितना वॉल्यूम फ्लूइड पंप उठाएगा वो फिक्स रहेगी, लेकिन वो अलग अलग साइज के लिए, अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग हो सकती है। इसके बाद हम बात करें जो हमारे डायनामिक प्रेशर पंप है उसमें हमने सबसे पहली कैटेगरी पढ़ी थी सेंट्रीफ्यूगल पंप की। अब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को विस्तार में जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हिंदी में केंद्र अपसारी पंप भी कहते हैं। दे यूज ए रोटेटिंग इंपेलर टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये जो व्हील जैसा दिख रहा है ये इंपेलर है, इसका यूज जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा किया जाता है। जब ये व्हील रोटेट होता है
तो हमारा जो लिक्विड है यहां से प्रेशर के साथ आगे जाएगा। द फ्लूइड एंटर द पंप इंपेलर अलोंग और नियर टू द रोटेटिंग एक्सिस एंड इज एक्सेलरेटेड बाय द इंपेलर। जैसे ही फ्लूइड यहां एंटर करेगा और यहां से मूव होना शुरू करेगा, तो ये इंपेलर जब मूव करेगा घूमेगा तो ये इस फ्लूइड के एक्सेलरेशन को बढ़ा देगा, जिससे प्रेशर जनरेट होगा और हमारा फ्लूइड जो है ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू द स्मॉलर हेड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसी जगह यूज किए जाते हैं जहां हमें जो डिस्चार्ज है वो ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन हेड इसका कम रहता है, मतलब ये ज्यादा हाइट के लिए नहीं यूज होते। दिस टाइप ऑफ पंप आर यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ वाटर एंड हैंडलिंग ऑफ मिल्क इन डेयरी प्लांट्स। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कैसे कैसे पंप कहाँ कहाँ यूज होते हैं उसको हम जानेंगे। हमने जाना कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं वो कहाँ यूज होते हैं, वाटर सप्लाई और हैंडलिंग ऑफ मिल्क इन डेयरी प्लांट्स। अब जो नेक्स्ट हमारा इसी की जो सब टाइप्स होती हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हैं वो फर्दर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे एक्सियल फ्लो पंप, रेडियल फ्लो पंप और मिक्स्ड फ्लो पंप। तो उसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। तो ये तीनों जो है हमारे सब टाइप्स हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की, जिसमें एक्सियल फ्लो पंप, रेडियल फ्लो पंप और मिक्स्ड फ्लो पंप आते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं एक्सियल फ्लो पंप आल्सो नोन एज प्रोपेलर पंप, इट प्रोड्यूस वाटर फ्लो अलोंग द इंपेलर शाफ्ट डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में इंपेलर की शाफ्ट घूमेगी उसी डायरेक्शन में इसका फ्लो रहेगा। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, हाई फ्लो रेट, फ्लो रेट हाई रहेगा लेकिन प्रेशर कैसा रहेगा, लो प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल फ्लो पंप। दिस पंप टाइप प्रोड्यूस फ्लो इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट। तो जो शाफ्ट की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर इसका फ्लो रहेगा। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लो फ्लो रेट, फ्लो रेट में होगी कम रहेगी लेकिन जो प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड फ्लो पंप। दिस पंप टाइप कंबाइन रेडियल एंड एक्सिस फ्लो। तो ये दो जो पंप थे हमारे इनके फीचर्स को ये कंबाइन कर देता है, प्रोड्यूसिंग ए कॉनिकल फ्लो पैटर्न अराउंड द शाफ्ट। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मीडियम फ्लो रेट और मीडियम प्रेशर। जैसे टॉप के जो हमने एक्सिल फ्लो और रेडियल फ्लो में हमने देखा कि एक्सिल फ्लो में जो हमारा फ्लो रेट है वो हाई रहता है और रेडियल फ्लो में लो रहता है फ्लो रेट, और प्रेशर इसके ऑपोजिट, एक्सिल फ्लो में लो प्रेशर, रेडियल फ्लो में हाई प्रेशर। तो जो हमारा मिक्स्ड फ्लो पंप है इसमें दोनों चीजें मीडियम रहेगी, मीडियम फ्लो रेट और मीडियम ही प्रेशर। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक प्रेशर पंप की सेकेंड क्लासिफिकेशन, प्रोपेलर पंप। तो प्रोपेलर पंप जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें हम इंपेलर की जगह प्रोपेलर यूज करते हैं। तो ये एक तरह का पंखा है, जब ये घूमता है तो जो फ्लूइड इसमें से एंटर होगा उसको प्रेशर देता है। तो ये इसका आउटलेट है, ये इसकी केसिंग है और ये इसकी शाफ्ट है। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक प्रोपेलर पंप इज हाई फ्लो लो लिफ्ट इंपेलर टाइप डिवाइस फीचरिंग लीनियर फ्लो पाथ। तो इसमें फ्लो पाथ क्या रहता है, लीनियर रहता है। द प्रोपेलर पंप मे बी इंस्टॉल्ड इन ए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगल्ड ओरिएंटेशन एंड टिपिकली हैज इट्स मोटर सिचुएटेड अबव द वाटर लेवल विद द इंपेलर बिलो वाटर। इसमें इंपेलर जो होगा वो पानी के नीचे रहेगा और जो मोटर रहती है वो ऊपर रहती है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में, ओरिएंटल, वर्टिकल या इंक्लाइन डायरेक्शन में इंस्टॉल कर सकते हैं। दीज पंप्स फंक्शन बाय ड्रॉइंग वाटर अप एंड आउटर केसिंग एंड आउट ऑफ ए डिस्चार्ज आउटलेट बाई ए प्रोपेलर बेडेड इंपेलर हेड। तो पानी जो है यहां से उठ के आउटलेट इसकी अपसाइड रहती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टर्बाइन पंप का। तो ये भी एक डायनामिक प्रेशर पंप की टाइप है, टर्बाइन पंप। तो टर्बाइन पंप्स आर सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट यूज प्रेशर एंड फ्लो इन कॉम्बिनेशन विद ए रोटरी मैकेनिज्म टू ट्रांसफर फ्लूइड। तो
जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है ये मैकेनिज्म है, इसके जरिए ही पानी को लिफ्ट किया जाता है। टर्बाइन पंप्स ऑपरेट यूजिंग काइनेटिक एनर्जी टू मूव फ्लूइड यूटिलाइजिंग एन इंपेलर, तो इसमें भी इंपेलर का यूज होगा। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्राइव द लिक्विड टू द हाउसिंग वाल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द वेन्स ऑफ इंपेलर और प्रोपेलर। द साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ इंपेलर प्रोड्यूस प्रेशर इन द पंपिंग बॉल। द शेप ऑफ टर्बाइन पंप आल्सो कंट्रीब्यूट टू सक्शन एंड डिस्चार्ज रेट। तो जो टर्बाइन पंप की शेप है वह भी जो हमारा वर्किंग है इस पंप की उसमें मदद करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, इसमें हमने दो टाइप के पंप देखे थे, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फ्लो इज एस्टेब्लिश्ड इनसाइड द कैविटी दैट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज पिस्टन। तो वाटर मूव्स इनटू द कैविटी ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड इज फोर्स्ड आउट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे हमारा इंजेक्शन होता है उसी तरह से हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो काम करता है। तो इसमें अलग अलग तरह के पंप रहते हैं, जैसे ब्लेडर, डायफ्राम पंप, प्रीस्टेटिक पंप, पिस्टन और प्लंजर पंप। रोटरी पंप, दिस पंप टाइप यूज ए रोटर दैट ट्रैप्स वाटर इन द कैविटी। इसमें एक रोटर लगा होता है जो पानी को कैविटी में ले आता है और रिलीज इट एट द आउटलेट, और आउटलेट के लिए रिलीज करता है। दिस कैविटी कैन बी द स्पेस बिटवीन गियर टीथ और स्क्रू थ्रेड अमंग अदर कॉन्फिगरेशन। तो इसके भी अलग अलग तरह के टाइप्स हैं हमारे रोटरी पंप के, जैसे गियर पंप, स्क्रू पंप, प्रोग्रेसिव कैविटी, रोटरी लॉक, रोटरी वेन। तो इन सबको हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पिस्टन पंप को। तो पिस्टन पंप आपको यहां पे दिख रहा होगा, जिस तरह से हमारा इंजेक्शन काम करता है उसी तरह से यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है। तो ये जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो यहां से पानी को अंदर सक करेगा और ऊपर तक ले जाएगा। जब ये हमारा पिस्टन ऊपर पहुंच जाएगा तो लिक्विड इस तरह से डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो ये पिस्टन पंप इज द टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वेयर द हाई प्रेशर सील रेसिप्रोकेट विद द पिस्टन। तो इसमें मेन काम पिस्टन या प्लंजर का ही रहता है। द पंप हैज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एज द पिस्टन गोज अवे आफ्टर द डिलीवरी स्ट्रोक लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन द सिलेंडर विच ओपन द सक्शन वाल्व। ऑन फॉरवर्ड स्ट्रोक द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड विच इन टर्न ओपन द डिलीवरी वाल्व फॉर द डिलीवरी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे जब प्रेशर कम होगा तो ये सक्शन वाल्व खुल जाएगा, जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो डिलीवरी वाल्व जो है वो खुलेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायफ्राम पंप। तो डायफ्राम पंप यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ ए रबर थर्मोप्लास्टिक और टेफ्लिन डायफ्राम एंड सुटेबल नॉन टर्न चेक वाल्व। नॉन टर्न चेक वाल्व का मतलब है ये एक डायरेक्शन में तो पानी को आने देगा लेकिन दूसरी डायरेक्शन में पानी को जाने नहीं देगा। मतलब इस डायफ्राम में पानी एंटर तो हो जाएगा, जैसे ये आपको दिख रहा है ये लगा है यहाँ पे चेक वाल्व, यहाँ से ये ओपन तो हो जाएगा। जब ये यहाँ को ओपन होगा पानी अंदर तो आ सकता है, लेकिन जब इसमें डायफ्राम की वजह से कंप्रेशन होगी तो पानी बाहर नहीं जाएगा, वो जाएगा फॉरवर्ड आउटलेट की साइड और प्रेशर के साथ जाएगा। तो इस तरह हमारा डायफ्राम पंप जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास गियर पंप। गियर पंप यूज द मशीन ऑफ मैशिंग ऑफ गियर्स टू पंप फ्लूइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये दो तरह के गियर लगे हुए हैं, जैसे ही यहाँ से पानी एंटर होगा तो ये गियर घूमेंगे। गियर जब मूव करेंगे तो ये पानी को गति देंगे जिसके साथ पानी ज्यादा प्रेशर से बाहर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लो पंप। तो लो पंप भी हमारा लगभग हमारे जो गियर पंप है उन्हीं की तरह काम करता है। लो पंप्स आर सिमिलर टू एक्सटर्नल गियर पंप्स इन ऑपरेशन
in that fluid flow around the interior of the casing. तो ये जो इसकी casing है, इसके साथ साथ पानी जो है movement करेगा और pressure के साथ बाहर निकलेगा. As the load come out of mesh, they create expanding volume on inlet side of the pump. Liquid flow into the cavity and is trapped by the lobes as they rotate. तो इसमें gear की जगह lobes लगे हुए हैं. Working इसकी लगभग सारी gear pump की तरह ही है. Next है हमारे पास screw pump. These pumps are rotary positive displacement pump that can have one or more screw to transfer high or low viscosity fluid along an axis. तो ये जो screw आपको दिख रहा है, इसी एक्सिस के साथ साथ जो हमारा फ्लूड है वो फ्लो करता है. कैविटी पंप्स कैन बी रेफर्ड टू एज ए सिंगल स्क्रू पंप. टिपिकली स्क्रू पंप हैव टू और मोर इंटरमेशिंग स्क्रू रोटेटिंग एक्सियली क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. तो इसमें जो स्क्रू रहेंगे आपस में गियर की तरह मैश करेंगे, जिसके जरिए पानी को आगे की तरफ मोशन देंगे. अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेन पंप. तो वेन पंप में क्या है, रोटरी वेन पंप इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दैट कंसिस्ट ऑफ वेन्स माउंटेड टू ए रोटर दैट रोटेट इनसाइड ऑफ कैविटी. तो इसमें भी आप देख रहे होंगे ये पंप की केसिंग है सारी, और इसमें ये जो चीज है ये वेन्स लगे हुए हैं. जब पानी यहां से एंटर हो जाएगा तो ये वेन्स जो है ये घूमेगा, तो ये पानी को आगे की तरफ पुश करते जाएंगे. अब इसमें आप जैसे देख रहे होंगे कि पंप की डायरेक्शन इस तरह की है, तो ये चीज जो है ये वेन्स घूमते हुए यहाँ से प्रेशर जनरेट करते हुए पानी को फोर्स के साथ आगे धकेलेंगे. इन सब केसेस दीज वेव्स कैन बी वेरिएबल एंड और टेंशन टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विद द वाल्व एज द पंप रोटेट. तो वेन्स जो है कुछ पंप्स में अलग अलग साइज के हो सकते हैं और ये टेंशन भी हो सकते हैं, मतलब इसमें खिंचाव हो सकता है ताकि ये केसिंग की दीवारों पे अच्छी तरह टच हो सके और पानी का प्रेशर बना सके. अब ये तो थे जो हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किए थे पंप. अब इसके अलावा कुछ और टाइप के पंप होते हैं, जैसे हैंड पंप. इसमें भी एक प्लंजर लगा होता है. फर्क सिर्फ इतना है इसको हाथ से ऑपरेट किया जाता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी या डीजल के द्वारा. उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोलिक पंप. द पंप दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रोलिक पंप. दीज पंप वर्क ऑन द फंडामेंटल पास्कल्स लॉ एंड आर कॉमन इन एवरीडे एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक पंप्स आर कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट. तो जो भी हमारे कंस्ट्रक्शनल और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हाइड्रोलिक पंप का यूज किया जाता है. जैसे आपने जेसीबी मशीन देखी होगी, उसमें जो उसकी बकेट जो है मूव की जाती है वो हाइड्रोलिक पंप्स के द्वारा ही मूव की जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक ड्राइव पंप. दीज पंप यूज मैग्नेट्स टू मूव फ्लूइड बाय अट्रैक्शन एंड रिपल्शन साइंस. नेक्स्ट है हमारे पास मीटरिंग पंप. तो मीटरिंग पंप्स एट ए फिक्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें कितना पानी स्टोरेज हुआ और कितना ट्रीट हो गया, तो उसका पता लगता है हमें मीटरिंग पंप के जरिए. ये उतना ही वॉल्यूम पानी का आगे भेजते हैं जितना उसमें फिक्स किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास पेरिस्टाल्टिक पंप, आल्सो नोन एज रोलर पंप. दीज पंप यूज पेरिस्टाल्टिक मोशन टू मूव फ्लूइड बाय स्क्वीजिंग ए ट्यूब. मतलब जैसे किसी ट्यूब को जब हम स्क्यूज करते हैं और छोड़ते हैं तो एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है जिसके जरिए ये पंप जो है काम करता है. इस तरह के पंप को हम हाईली रिएक्टिव केमिकल्स एंड इवन हार्ट लंग्स मशीन्स टू सर्कुलेट ब्लड. तो इन पंप का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे ऐसा फ्लूड ले जा रहे हैं जो काफ़ी रिएक्टिव होता है. नेक्स्ट है हमारे पास सोलर पंप. तो ये सनलाइट की मदद से ऑपरेट होते हैं. दीज पंप यूज सोलर पावर टू मूव फ्लूइड
by photovoltaic action, these pump type used in this arrangement may vary based on need, but the power source remain the sun. Solar pump are typically used for small scale application such as watering a garden or filling a swimming pool. तो सोलर पंप जो है वो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा ही ऑपरेट होते हैं और इनका यूज स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जैसे किसी गार्डन की वाटरिंग के लिए या स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सबमर्सिबल पंप। तो नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में इसको हम बोलते हैं पनडुब्बी पंप। इसका यूज किया जाता है ऐसी जगह जहाँ पंप भी पानी के अंदर डूबा रहता है और वाटर को ऊपर लिफ्ट करता है। द मेन यूज ऑफ सबमर्सिबल पंप इज दैट द पंप असेंबली इज सबमर्ज इन द फ्लूइड टू बी पंप। दे कैन यूज ए स्क्रू मैकेनिज्म और ए सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म टू ड्राइव द फ्लूइड। नेक्स्ट है हमारे पास सम पंप। दीज पंप आर यूज टू रिमूव वाटर एक्युमुलेशन इन सम पिट। तो जो सम पिट होती है उनमें से पानी को निकालने के लिए सम पंप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा वैक्यूम पंप। द पंप दैट यूज वैक्यूम प्रेशर टू मूव फ्लूइड बाय डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वैक्यूम पंप्स। वैक्यूम पंप्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन मेडिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन गिवन देयर एबिलिटी टू पंप एट हाई प्रेशर प्रिसाइजली। मतलब बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये हाई प्रेशर में पंपिंग करते हैं, इसलिए वैक्यूम पंप का ज्यादातर यूज जो है मेडिकल साइंस में भी किया जाता है, मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रैश पंप। तो दीज पंप आर यूज टू रिमूव वाटर दैट कंटेन सॉलिड डेब्रिज। क्रैश पंप आर कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड सीवेज एप्लीकेशन। तो ऐसा फ्लूइड जिसमें सॉलिड पार्टिकल की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है उनके लिए हम क्रैश पंप का यूज करते हैं। दे यूज द सेंट्रीफ्यूगल पंपिंग मैकेनिज्म एंड हेल्प सेपरेट द वेस्ट फ्रॉम वाटर। तो ये था आज हमारा सारा डिस्कशन पंप्स के बारे में। आई होप आप जान गए होंगे कि पंप क्या होते हैं, पंप कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के पंप की एप्लीकेशन क्या है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि पंप की प्राइमिंग कैसे की जाती है और पंप की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। धन्यवाद।